हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धूमधाम से विराजे गणपति बप्पा। 11 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत शनिवार को उत्साह और उमंग के साथ हुई। कस्बे में दिन भर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगते रहे। युवा और बच्चे नाचते गाते हुए बप्पा की प्रतिमा को झांकी स्थल तक लाए। घरों में भी सुबह से लेकर शाम तक गणेश वंदना चलती रही। इस बार कोरोना संक्रमण महामारी के चलते गणेशोत्सव जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं मनाया जा रहा है। लोगों द्वारा गणपति पप्पा की प्रतिमा घरों के अंदर विराजमान की गई है। उत्सव के पहले दिन कस्बे में दिन भर गणेश प्रतिमा स्थापना का दौर चलता रहा। कस्बे के तहसील रोड स्थित हनुमान मंदिर परिसर में दोपहर 2:30 बजे गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। मंदिर में गणेश प्रतिमा की पूजन के उपरांत समीप लगी झांकी में गौरी पुत्र की आराधना की गई। इस दौरान मंदिर के हनुमान भक्त बसंत प्रजापत ने गणेशोत्सव के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा वाली झांकी सजाई गई। भगवान के आकर्षक श्रृंगार के साथ ही संपूर्ण परिसर की भी मनभावन सजावट की गई है। इस अवसर पर जेताराम, प्रवीण, सुरेश, दशरथ, ललित, दुखाराम, शंकराराम, जयंतीलाल प्रजापत उपस्थित रहे। इस बार घरों में हुई प्रगतिमा स्थापना। इस बार गणेश उत्सव पर कोरोना संक्रमण महामारी के चलते घरों में सुबह से ही गणेश प्रतिमा स्थापना का दौर शुरू हो गया। सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में दिखाई दिया। मुख्य बाजार में प्रतिमा विक्र का दौर भी शाम तक चलता रहा। इस बार लोगों ने पीओपी के स्थान पर मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापना करने को लेकर ज्यादा उत्साह रहा। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।